मैं आपका दोस्त हिमांशु और आपके सामने एक गुड न्यूज़ लेके प्रस्तुत हुआ हूँ फॉर रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। हमें ये तो पता चल चुका है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 10 सितंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट के हों चाहे अंडर ग्रेजुएट के हों। टर्मिनेटेड सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, तो अभी हमें ये पता नहीं चला था या ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन लेंगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैसे एग्ज़ाम लेगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ले सकती क्योंकि 1.5 लाख बच्चे हैं फाइनल सेमेस्टर के और सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस COVID-19 सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो नहीं कर पाते तो हम COVID-19 का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मैंने बताया था, ओपन बुक एग्ज़ाम ले सकती है अपने पिछले वीडियो में, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना, तो ओपन बुक आपको समझ आ जाएगा। और इसमें भी अभी मैं बता दूंगा आपको किस वे से ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। तो एक ये मैसेज है व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है कि इस तरीके से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। तो इसमें सभी छात्र पास भी हो सकते हैं, ईजी भी है अगर रीड किया हो तो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट एग्ज़ाम फॉर टर्मिनेटिंग सेमेस्टर 10 सितंबर। यूजी सेशन जो होगा वो मॉर्निंग में होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के 15 सितंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उनका सेशन इवनिंग सेशन होगा। 50% ऑफ क्वेश्चन पेपर इज़ टू बी अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट, तो हाफ पेपर वो अटेम्प्ट कर सकता है कैंडिडेट्स। क्वेश्चन पेपर विल बी फॉरवर्डेड ऑन कैंडिडेट ईमेल, तो क्वेश्चन पेपर आपकी ईमेल पे सेंड किया जाएगा। 4th, आंसर शीट विल बी अपलोड ऑन द कॉलेज ईमेल विद इन 3 आवर। तो यूनिवर्सिटी ने अपने जो ग्रांटेड कॉलेज हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो लिंक्ड है यूनिवर्सिटी का, उनसे इन्होंने बात करके इनकी कॉलेज में एक वेबसाइट बनाई जाएगी जिस पे हमें अपने कॉलेज पे वो शीट जो होगी वो अपलोड करनी है। मैक्सिमम पेज विल बी 20 पेजेस ऑफ A4 साइज। 6, आंसर शीट विल बी एवेल्यूएटेड बाय कंसर्न टीचर विद इन 5 डे। तो मैक्सिमम जो पेज होने चाहिए वो 20 पेज हो सकते हैं A4 साइज़ के, इससे ज़्यादा नहीं, और उसके बाद टीचर को भी 5 डेज़ का टाइम मिलेगा। मार्क्स विल बी अपलोडेड बाय द कॉलेज कंसर्न, तो मार्क्स भी कॉलेज ही अपलोड करेगा वेबसाइट पे। रिपेयर एग्ज़ाम 2nd और 4th सेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ टर्मिनेटिंग सेमेस्टर विल बी कंडक्टेड इन द इवनिंग सेशन और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क्स विल बी अपलोडेड बाय कंसर्न्ड कॉलेजेस। तो स्टूडेंट ऑफ टर्मिनेटिंग सेमेस्टर के लिए है, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम ऑलरेडी टीचर्स ने लगा दी हैं, सिर्फ उनको अपलोड करने हैं वो एग्ज़ाम, और ऑलरेडी कहीं कॉलेज ने वो अपलोड भी कर दीजिए हैं। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसी आपको गुड न्यूज़ मिलती रहेगी। बाय।